हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने फ़ोटोज़ को गूगल फ़ोटोज़ में सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फ़ोटोज़ को गूगल फ़ोटोज़ में सेव करके अपने फ़ोटोज़ को सेफ रख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि गूगल फ़ोटोज़ में फ़ोटोज़ को कैसे सेव करना है, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे अपने फ़ोटोज़ को गूगल फ़ोटोज़ में सेव करके अपने फ़ोटोज़ को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। यहाँ पर आपको ऐसे यूज़फुल वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल फ़ोन में गूगल फ़ोटोज़ एप्लीकेशन अवेलेबल है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में गूगल फ़ोटोज़ एप्लीकेशन नहीं है, तो आप प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको गूगल फ़ोटोज़ एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। ऊपर आपको अपने जीमेल आईडी का आइकॉन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी जीमेल आईडी में आप अपने फ़ोटोज़ को सेव करना चाहते हैं, उस जीमेल आईडी को यहां से आपको चूज़ करना है। तो मैं इस जीमेल आईडी में फ़ोटोज़ को सेव करना चाहता हूं। नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ़ोटो सेटिंग्स, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहां से आपको बैकअप एंड सिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। बैकअप एंड सिंक, अपलोड फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ फ्रॉम दिस डिवाइस टू योर गूगल अकाउंट। तो यहाँ से आपको इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो ये आपको कुछ परमिशन पूछेगा कि आप कौन से जीमेल आईडी में अपने फ़ोटोज़ को सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको जीमेल आईडी चूज़ करना है। तो मैं इस जीमेल आईडी में अपने फ़ोटोज़ को सेव करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको नीचे कुछ सेटिंग्स करना है। फर्स्ट वन, अपलोड साइज़। यहाँ से आप अपने फ़ोटोज़ का अपलोड साइज़ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, ओरिजिनल क्वालिटी, स्टोरेज सेवर, एक्सपीरियंस। तो यहाँ से मैं ओरिजिनल क्वालिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ओरिजिनल क्वालिटी ही सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल डेटा यूसेज। तो यहाँ से आप अपने फ़ोटोज़ को डेली बैकअप ले सकते हैं। यहाँ से आप डेटा चूज़ कर सकते हैं, जितना डेटा आप खर्च करना चाहते हैं। तो मैं यहां से अनलिमिटेड चूज़ कर लेता हूं। एंड थर्ड सेटिंग है बैकअप डिवाइस फोल्डर्स। यहां से आप जो भी फोल्डर्स के फ़ोटोज़ को बैकअप करना चाहते हैं, यहां से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यूट्यूब, व्हाट्सएप इमेजेस, इंस्टाग्राम इमेजेस एंड डाउनलोड्स। जो भी आप पिक्चर्स लिए हैं, यहां से आप उसको सेलेक्ट करके उन सभी फ़ोटोज़ को बैकअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं व्हाट्सएप इमेजेस एंड पिक्चर्स को सेलेक्ट करूँगा। जो भी WhatsApp पर इमेजेस आएंगे वो ऑटोमेटिकली गूगल फ़ोटोज़ में सेव हो जाएंगे। इसी तरह जब भी मैं कोई मोबाइल से पिक्चर क्लिक करूँगा तो वो पिक्चर ऑटोमेटिकली अपने गूगल फ़ोटोज़ में सेव हो जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी फोल्डर चूज़ कर सकते हैं जिस फोल्डर के फ़ोटोज़ आप सेव रखना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं दो ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये कुछ सेटिंग है जिसको आप करके अपने फ़ोटोज़ को गूगल फ़ोटोज़ में सेव कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपने फ़ोटोज़ को गूगल फ़ोटोज़ में सेव कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कुछ फ़ोटोज़ सेलेक्ट करूँगा। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको शेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल फ़ोटोज़ का ऑप्शन अवेलेबल है, अपलोड फ़ोटोज़। तो यहाँ से आप अपने फ़ोटोज़ को गूगल फ़ोटोज़ में सेव कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपने फ़ोटोज़ को गूगल फ़ोटोज़ में सेव करके सेफ रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।